हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो अभी जस्ट मैं इशा की नमाज़ पढ़ के इधर मजनवी के बैक साइड वाले गेट से बाहर निकला हूँ, एंड मैं सोचा कि यार कुछ जाके अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए अब, क्योंकि यहाँ से मुझे परसों यानी फ्राइडे निकलना है। तो कल का दिन है सिर्फ मेरे पास, एंड परसों जो है जुमे की नमाज़ बाद हम लोग इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो मुझे कुछ परफ्यूम्स नहीं आतर लेनी थी बेसिकली, तो मैं इधर आया हूँ अहमद परफ्यूम पे। वाइज मैं तो इधर आया था और मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू हमारे मुदस्सिर भाई ने दिखाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मुदस्सिर भाई ने आज मेरा मोटा खर्चा करा दिया। ये देखो इतने सारे, ये सारा अभी मैंने किया है, अभी कुछ मेरी आत्र भी बाकी रह गई है, तो आपने खर्चा मेरा करा दिया तगड़ा वाला। इसका आप टोटल कराइए। बाकी इधर की खुशबू बहुत बहुत अच्छी है, और मैंने बखूर वगैरह लिया और ये बखूर ये भी मस्त है। तो अब इधर जला के दिखाएं तो बहुत अच्छा है, आप घर जाके इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इसकी लास्टिंग वगैरह पता लगेगी कि हाँ कितनी देर तक लास्ट करती है परफ्यूम है अत्र। और भाई डिस्काउंट अपने को बढ़िया वाला मिलना चाहिए इंशाल्लाह। मतलब सिर्फ भाई को सेट कर लिया है, इंशाल्लाह डिस्काउंट अपने को अच्छा वाला देंगे। और भी इधर सारी चीज़ें देख रहा हूँ, आप मुझे मुदस्सिर भाई कुछ अत्र वगैरह उधर दिखा दीजिए अच्छी सी। अत्र खुद के लिए चाहिए परफ्यूम्स? हाँ खुद के लिए दिखा दीजिए। और आप ना इधर आओ कि मतलब ये जो खुशबू है मुझे इस रेट में, मैंने हर जगह देखा ऊद इलाइट हुआ और अरेबियन ऊद और अब्दुल कुरैशी, अब्दुल समद अल कुरैशी, वहाँ पे रेट ना यहाँ का 4 गुना 5 गुना है। और इधर जो खुशबू जिस रेट में आप लोग दे रहे हैं ना, इधर कोई नहीं देगा। जी बिल्कुल, हमारा मंशा ही ये है कि अच्छे से अच्छी खुशबू दे, मतलब लास्टिंग बेहतरीन हो जी, और कस्टमर सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई बिन शेक करके जी, ये बेहतरीन अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा ऊद वाले चीज़ सब दाम लेगा। और हमारा एक फेमस परफ्यूम है। अच्छा अच्छा, फेमस परफ्यूम में से एक है। लास्टिंग क्योंकि ऊद है, ऊद के साथ में वाइट मस्क आया है जी, तो वाइट मस्क थोड़ी सी ऊद को ठंडी करती है, स्वीट टाइप का फ्रेग्रेंस देती है। फाइनली गाइज मेरी पूरी शॉपिंग हो गई, आमिर भाई भी आ गए। ये इधर मुदस्सिर भाई ने भर भर के दिए मुझे अत्र परफ्यूम्स एंड बखूर, लेकिन जो भी कहो खुशबू बहुत अच्छी है। अभी जो मैंने जितना लगा के टेस्टर वगैरह टेस्ट किया है, आप अगर आओ इधर तो टेस्टर लगा सकते हो, टेस्टर आपके लिए बिल्कुल फ्री है, सबके लिए टेस्टर है। तो वो सब लगा के मैंने चेक किया, बहुत अच्छा है। अब मैं परफ्यूम जाके घर इस्तेमाल करूँगा, तो देखता हूँ कैसी आती है इसकी खुशबू। तो चले भाई, चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह ज़रूर, और मेरे नाम से कोई भी आता है डिस्काउंट सबको दे दीजिएगा इंशाल्लाह। मऊ वाले लोग सारे इधर ही आ जाना, मस्जिद नबी के बैक वाले गेट के बिल्कुल सामने आपको अहमद परफ्यूम्स दिखे। यार मैंने तो लिया ही था ये काफ़ी सारा, और आमिर भाई ने भी, इनको भी कुछ आत्र आ गई पसंद तो इन्होंने भी ले लिए। और बाकी ये है इधर अहमद परफ्यूम्स, ये कौन सा गेट था, ये 309 गेट से आप जैसे ही निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको ये मिल जाएगा। ये सामने आपको मस्जिद नबवी है, और ये इधर है अहमद परफ्यूम्स। मुझे ना बस इस बात की टेंशन हो रही है कि वेट का कैसे क्या मैनेज होगा, क्योंकि वेट ऑलरेडी हम लोग के पास कम है, मतलब मुझे कम मिला है, और मेरा ये जो है बहुत ज़्यादा वेट आउट हो गई है परफ्यूम्स। तो मुझे बस इस बात की टेंशन है कि वेट मैनेजमेंट कैसे होगा, इंशाल्लाह उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकले। आप ये देखो, आप ना मस्जिद नबवी के अगर आप फ्रंट से एंटर करते हो और राइट साइड में, ये आपको बड़ा सा मैदान टाइप्स है, यहाँ पे लोग बैठते हैं खाना वाना खाते हैं, बड़ा बहुत अच्छा माहौल इधर का होता है। और मैंने कुछ खाया नहीं भाई, मुझे भूख लगने लगी, चल के आइसक्रीम खाएँगे। हाँ वो जो होटल के सामने अपने बी आर या बास्किन रॉबिन्स पे आइसक्रीम खाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला करे वो खुला हो बस। और अभी जाके वेट देखते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत वेट की है। ये है बास्किन रॉबिन्स, एंड मैं खाऊंगा सिर्फ, आमिर भाई तो खाएंगे नहीं, उनकी गला ख़राब हो जाता है। खुल जा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, केक्स वगैरह भी हैं, आइसक्रीम्स भी हैं, बहुत अच्छी। उसने मुझसे पूछा कि मीठी या खट्टी मीठी, दो ऑप्शन दिए हैं, मैं कहा भाई खट्टी मिट्टी दे दे, खट्टी मिट्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा लजीज आइसक्रीम है, और सारी अंदर जितनी भी वैरायटी है ना सब बहुत मस्त है। ये पीछे मेरे, ये हम लोगों का होटल है,
और दल्ला तैबा जस्ट जस्ट इसके सामने ही ये बास्किन रॉबिन है, उसके सामने ये है हर्फी। मैंने कुछ खाना खाया नहीं था तो मैं सोचा यार भूख लग गया, इस वजह से मैं इधर से नगेट्स ले रहा हूँ ये वाला। इनके पास ना वो नहीं है ब्रोस्ट, जो चिकन हॉट एंड क्रिस्पी KFC में आप लोग खाते हैं इधर ब्रोस्ट बोलते हैं उसको, तो वो नहीं है, वरना मैं वही खाता हूँ। अभी मुझे मजबूरन नगेट्स लेना पड़ेगा। खाना मिल गया गाइस मेरा, अब जाके ऊपर खाएंगे आराम से बैठ के। इसको उठा लीजिए, इधर ये सामान ऐसे छोड़ रखा है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इधर ये है कि बेफिक्र रहो, आपका कुछ कहीं से गायब नहीं होगा। उधर आधा पेटे माल अपना पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इधर आमिर भाई सारी परफ्यूम लेके चल रहे, मैं इधर खाना लेके चल रहा हूँ, तो जाके देखते हैं कि कितना वज़न है। अरे अल्लाह कम हो, मेरे अल्लाह वज़न कम होना चाहिए। लेट्स सी कितना है लगे टोटल। और भाई 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 शेट 8.5 किलो भाई, 8.5 किलो। हाँ कैसे होगा मैनेज यार, 8.5 किलो है, क्या कहूँ भाई। मैनेज करना पड़ेगा, कुरियर में डाल दो। नहीं नहीं कुरियर में ख़राब हो जाएगा। मैं बताऊँ क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो कपड़े हैं ना 5-6 मैं सब पहन लूंगा सारे एक साथ, जो वजन कम हो जाएगा 28 का। अरे एयरपोर्ट में सब तुमको चिल्लर देंगे 4-5 कपड़े पहनोगे तो फाड़ के पहनना पड़ेगा। कोई नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह मैनेज। अभी मैं अपना ये फ्राइज वगैरह एंजॉय करता हूँ। और ये जल जा, यस वॉइस कंट्रोल है मेरा। इधर रात के ना 1 बजने लगे, इधर 1 बजे तो इंडिया में 3:30 हो रहे होंगे। और अभी मैं जस्ट खा के अब थोड़ा वॉक कर रहा था इधर लॉबी में, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, अब फजर में उठने में अब प्रॉब्लम होगी। तो लेट्स सी इंशाल्लाह उठ जाएंगे, 3 बजे उठना रहता है, तो मुझे लग रहा है कि 1.5-2 घंटे की नींद मुझे मिलने वाली है। और अब जाके मैं सो जाऊंगा। नगेट्स वगैरह जो मैं लिया था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। खैर उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा गाइस तो मस्त लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।